दीपावली हनुमान जी की जयंती के अवसर पर मनसे की ओर से राज ठाकरे के आह्वान पर हनुमान चालीसा पठन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर मनसे सर चिटनेस हेमंत गडकरी के साथ मनसे के अन्य कार्यकर्ता और पदाधिकारी बड़ी संख्या में मौजूद थे। शहर में महाबली हनुमान जी की जयंती के अवसर पर विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसी श्रृंखला में मनसे की ओर से भी शहर के जागृतेश्वर हनुमान मंदिर में सामूहिक हनुमान चालीसा पठन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बात करते हुए मनसे सर चिटनेस हेमंत गडकरी ने कहा कि मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे के आदेश का पालन करते हुए हमने सामूहिक पठन का आयोजन किया। वहीं यह हर साल से आ रही रीत है कि हनुमान जयंती के दिन हनुमान चालीसा का पठन किया जाता है। वहीं विरोधकों को करारा जवाब देते हुए वे बोले कि ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन प्रत्युत्तर देता है। आज हनुमान जन्मोत्सव आनंदाची गोष्ट आहे। भगवंताचं पठन चरणी पूजा अर्चना करावी आणि हनुमान चालीसाचं पठन करावं हे दरवर्षीचाच आमचा कर्तव्याचा भाग आहे। यावर्षीसुद्धा ते कर्तव्य करतो आहे आणि पुढे माननीय राजसाहेबांनी राज्य सरकारला जो अल्टिमेटम दिलेला आहे त्यानुसार आम्ही वागणारच आहे। कसं वागणार आहे कडलं अल्टिमेटम खाली कसं आहे, राज्य सरकारला आता राजसाहेबांनी निर्देश दिलेले आहे, त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचं पालन करावं। त्यांच्याकडनं पालन झालं नाही तर मग माननीय राजसाहेबांनी जी भूमिका घेतलेली आहे त्याला अनुसरून नागपुरातील महाराष्ट्र सैनिक तंतोतंत त्याचं पालन करतात। मुस्लिमांनाही तिकडे दिले की आम्हाला छेडेंगे तर छोडेंगे नाही, आता कोण प्रत्युत्तर देतं हा काळ दाखवेल। धार्मिक तेढ निर्माण करायचा प्रयत्न असा आरोप होतो, काहीच तेढ नाही। आम्ही सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचं पालन करावं हे सांगतो आहे, याच्यात तेढ असण्याचा प्रश्नच नाही आहे। त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचं पालन करावं एवढंच आमचं म्हणणं आहे। दिला त्यानिमित्त आज हनुमान जयंतीच्या निमित्ताने आज आम्ही हनुमान चालीसाचं पठन इथे करत आहोत। महाराष्ट्र नवनिर्माण नागपूर शहराच्या वतीने इथे हनुमान चालीसा पाठ वाचणार। यामागचा उद्देश काय नाही, एक हिंदुत्ववादी आणि पक्षाने जो आदेश दिला माननीय राजसाहेबाच्या तंतोतंत आम्ही पालन करून राहू। शहरात आणखी कुठं किती ठिकाणी भूमी असा, शहरात आमचा 5 ते 6 ठिकाणी कार्यक्रम होणार आहे आणि काही सकाळी पण झाले आणि काही सायंकाळी पण। भले ही मनसे की ओर से इस मामले में किसी भी प्रकार की राजनीति करने की बात नहीं की है, लेकिन इस संपूर्ण वाकया से राजनीतिक गलियारों में माहौल गर्मा जाने की बात सूत्रों की ओर से कही जा रही है। राजेश जंगिटवार के साथ दिशा हटवार, वीकेबी न्यूज के लिए। बॉस ने मीटिंग बुलाई। क्या यार, आदमी की तकलीफ को तो समझो, बार बार उठो बैठो उठो बैठो। जनाब, तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार, अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, लोहार समाज भवन के पीछे, महापुष्प सोसाइटी, शताब्दी नगर चौक से मनीष नगर रोड, नागपुर। कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com।